छत्तीसगढ़ के रायपुर से विधायक सत्यनारायण शर्मा ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि शराबबंदी को अचानक नहीं कर सकते हैं और नोटबंदी की तरह फैसला नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को जन आंदोलन बनाना होगा। साथ ही उन्होंने गुजरात के शराबबंदी पर कहा कि गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है। वहीं रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने शराबबंदी को लेकर बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी के लिए कमेटी बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। दौरा हो जाएगा, कमेटी दौरा अपने डेट प्रस्तावित करती है दूसरे राज्यों को, क्योंकि सहमति की प्रतीक्षा है। सहमति आते ही हमारी कमेटी दौरे पे जाएगी, देखेगी, अध्ययन करेगी। और गुजरात में जहां पूर्ण शराबबंदी है, अवैध शराब पीकर लगभग 150 लोग मर गए और जनता की जागरूकता के बिना शासकीय निर्णय लेकर या कानून के आधार पर बंद कराने के प्रयास से सामाजिक बुराइयों से निजात नहीं पाया जा सकता। शराबबंदी के लिए कौन सी कमेटी, मैं नहीं समझ पाया कि शराब के कोई नियम बनाना है या उसके कोई और परिवर्तन करना है, उसके लिए कमेटी बनती है। शराब को बंद करना है, बंद कर दीजिए, 5 मिनट का काम है, उसको कमेटी बनाने की क्या जरूरत है। ये लोगों को गुमराह करने का